आत्मज्ञान दिन 6 प्यार अथवा भोग। पूजन पद्धति में मरियम को धर्मी जोसेफ के साथ वैवाहिक और कौमार्य प्रेम से संयुक्त मनाया जाता है। दो प्रकार के प्यार होते हैं, दोनों ही एक साथ कलीसिया के रहस्य को प्रदर्शित करते हैं। कौमार्य और दाम्पत्य, जैसा कि जोसेफ और मरियम के विवाह में प्रतीकात्मक है। ईश्वर के राज्य के लिए कौमार्य अथवा ब्रह्मचर्य न केवल विवाह की गरिमा का विरोध नहीं करता है, बल्कि इसे पहले से मान लेता और पुष्ट करता है। विवाह और कौमार्य ईश्वर के अपने लोगों के साथ उनके विधान के रहस्य को प्रकट करने और जीने के दो तरीके हैं। विधान, जो ईश्वर और मनुष्यों के बीच प्रेम द्वारा एक के होने का एक करार है। अपने पूर्ण स्वबलिदान द्वारा जोसेफ ने ईश्वर की माता के प्रति अपने उदार प्रेम को प्रकट किया है और उसे एक पति के स्वयं का दान दिया। हालांकि उसने मरियम के साथ जो हुआ, जो ईश्वर की योजना थी, में हस्तक्षेप करने से मना करते हुए एक बार पीछे हटा। जोसेफ ने स्वर्गदूत के स्पष्ट आदेश का पालन किया और मरियम को आदर के साथ, कि वह पूर्ण रूप से सिर्फ ईश्वर की है, घर में लेकर आया। हम अंतरंग और अनंत प्रेम की तीव्र इच्छा के साथ बनाए गए हैं। हम यहाँ इस संसार में सर्वप्रथम बिना स्पष्ट अनुभूति के हैं कि कैसे अथवा कहाँ हमें उस इच्छा की पूर्ति होगी। तब हम क्रीस्त और ईश वचन की खोज करते हैं और उसका अनुसरण करते हुए विश्वास एवं आशा की यात्रा करने के लिए बुलाए जाते हैं। बिना विश्वास और आशा के हम अपने इच्छाओं को यहाँ और अभी पूरा करने की परीक्षा में पड़ सकते हैं। विश्वास और आशा द्वारा हम अपनी इच्छाओं को यहाँ पर, जैसा कि हम देखते और अनुभव करते हैं, उससे अधिक की ओर अभिमुख कर सकते हैं। विश्वास और आशा, यदि इन्हें तुरंत तुष्टिकरण के त्याग की आवश्यकता हो, तो भी हमें अपने आप से निकलकर इस काल से दूर और ईश्वर की उपस्थिति की ओर अग्रसर करती है। जब हम ये मामला अपने हाथ में ले लेते हैं, तो हम जिनको प्रेम करने के लिए बुलाए गए हैं, उन्हें भोगते हुए समाप्त हो जाते हैं। जब हम अपने आप को ईश्वर के हाथों में रखते हैं, तब हम प्यार करना सीखते हैं। ईश्वर के समान बनने के लिए हमें उससे प्रेम में मुलाकात करते हुए उसके प्रेम में ढलना है, उस प्रेम में जो महानतम और जीने के लिए पर्याप्त कारण है। यही जीवन का अर्थ है और केवल यही चीज है जो जीने के योग्य है। जैसा कि ये विन्यास उत्कृष्ट और आत्मिक लगता है, इसे मानवीय जीवन के साधारण परिवेश में लागू किया जाता है। ये सबसे पहले परिवार में अनुभव किया जाता है। इस महान रहस्य का आदर्श पवित्र परिवार में, विशेषकर संत जोसेफ के जीवन में, इस समर्पण के दौरान सहायता के लिए हम पाते हैं। संत जोसेफ ने विवाह और ब्रह्मचर्य दोनों बुलाहटों के रहस्यों को एक साथ जिया है। इस सामान्य मानव ने पूर्ण प्यार किया, और वह भी उच्चतम श्रेणी का। दोनों अपनी लैंगिक इच्छाओं और शारीरिक उर्वरता का त्याग करते हुए और साथ ही एक विशेष महिला के साथ वैवाहिक संबंध में स्वदान के द्वारा। इस प्रकार जोसेफ ने अपने शरीर को एक वरदान के रूप में पूर्ण रूपेण प्रयोग करके दिखाया, और उसने वैवाहिक जीवन में रहकर पूर्ण रूपेण जीने की संभावना को दृढ़ता पूर्वक स्थापित किया। इस स्वयं के महानतम वरदान द्वारा उसने अपने पैतृत्व में दी हुई उर्वरता के द्वारा देह धारण का द्वार खोला है, जिसमें स्वयं ईश्वर का इस संसार में जन्म हुआ। क्या इससे अधिक महान उर्वरता की परिकल्पना की जा सकती है? संत जॉन पॉल द्वितीय लिखते हैं, नर और नारी
अपने पौरुष और स्त्रीत्व और शारीरिक संबंध के द्वारा एक दूसरे के लिए आदान प्रदान का वरदान बनते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ है इस संबंध तथा इससे जुड़ी हुई चीजों का सच्चाई और स्वेच्छा से त्याग करना, फिर भी स्वयं को दूसरों के लिए देने के द्वारा ब्रह्मचारी व्यक्ति को इस बात का पता होता है कि वो एक भिन्न व्यक्ति है और कुछ हद तक विवाहित व्यक्ति से भी अधिक संत जोसेफ ने दोनों को किया। वह सर्वोच्चतम व्यक्तित्व बन गए, कुछ हद तक वैवाहिक प्यार के शारीरिक मिलन से भी अधिक, पर उन्होंने इस यथार्थ और पूर्ण स्वदान को विवाह बंधन में महसूस किया। यदि हम ईश्वर प्रदत्त जीवन के प्रति, जिसके लिए हम बुलाए गए हैं, वफादार रहते हैं तो हम कभी भी असंतुष्ट नहीं रहेंगे। हमें डर है कि यदि हमने इस संतुष्टता को नहीं पकड़ा तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकेंगे। सभी चीजों में हम अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को जाने दे सकते हैं। हमारा पिता हमें इतना प्यार करता है कि वह हमारे लिए वह सब कुछ देने को तैयार और तत्पर है और हमारे हृदयों को वास्तव में लबालब भरने के लिए सब कुछ दे सकता है। हमें उस पर भरोसा करना है। यदि डर लगे तो जोसेफ के नमूने का अनुसरण करें। इस तरह हम दूसरों को सचमुच प्यार करना सीख पाएंगे। चिंतन के लिए प्रश्न: दूसरों को प्यार देने में कौन से तार जुड़े हैं?